हाँ हमारी बात हो गई थी। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था, जरा समझे आप। हाँ भाई कॉन्केविटी के ऊपर बात चल रही थी है ना अपनी क्लास, है ना। अब मैं आपके सामने दो एग्जांपल लेता हूं, एक तरफ लेते हैं वाई इज़ एक्स क्यूब और एक तरफ देखो वाई इज़ एक्स टू द पावर 4 और देखते हैं दोनों में क्या आता है, मैक्सिमम मिनिमम आता है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, क्या आता है। सीरीज की बात मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं डिवाइड एक्स, सबको पता है 3x² आएगा इक्वल टू 0 रखूंगा। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, आ जाएगी। अब मैं ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी 6x और मैं उसमें x की जगह कितना पुट कर दूंगा 0, तो ये हो जाएगा 6 × 0 माने 0। सेकंड डेरिवेटिव 0 आया माने मेरे को शक हुआ, याद आया आपको, हाँ या ना। अब मेरे को थर्ड डेरिवेटिव निकालना मेरी मजबूरी होगी, अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव निकालता हूं तो थर्ड डेरिवेटिव क्या निकलेगा 6x का 6, अगर मैंने x की जगह 0 भी डाल दिया तो भी 6 के कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 6 हमने हमें 0 नहीं है, माने शक किसमें बदल गया, यकीन में बदल गया। क्या यकीन हो गया कि x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट है, x क्यूब के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वेरी सिंपल। अगर यही काम मैंने इधर किया होता तो क्या होता, मैं डिवाइड x निकालता, 4x³ निकलता, 0 रखता, x की वैल्यू 0 आ जाती, आ जाती। फिर मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालता, सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx² क्या निकलता, सेकंड डेरिवेटिव d कितना निकलता 12x², अगर ये 12x² निकलता तो मैं x की जगह कितना पुट करता 0, तो ये निकलता 12 × 0² उर्फ 0 निकलता। और जैसे ही सेकंड डेरिवेटिव 0 निकलता मुझे शक होता, अगर मुझे शक होता तो मैं अगले नंबर पे क्या करता, थर्ड डेरिवेटिव निकालता, थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या निकलती बोलो कितना 24x और मेरे को x की जगह कितना पुट करना पड़ता 0, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता तो 24 × 0 0 हो जाता और शक बेबुनियाद, याद आया आपको। सेकंड डेरिवेटिव 0 हुआ और थर्ड डेरिवेटिव भी 0 हो गया, शक खाली चला गया, शक बेबुनियाद, बात समझ में आई। लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरा तो लफड़ा पड़ गया, ना तो मेरे पास मैक्सिमा है ना मिनिमा है और ना मेरे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मैं तो तीनों से गया, तो मेरे पास में जरूरत है मेरे को फोर्थ डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अगर मैं फोर्थ डेरिवेटिव निकालता हूं माने एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं, राइट है भाई, तो मुझे पता है 24x का 24 और मैं एक बार x की जगह 0 भी डालू तो भी 24 ही रहेगा और 24 अपने आप में पॉजिटिव, और मैंने कहा था इवन डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाए तो इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, बिल्कुल पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो कहने का मतलब x इज इक्वल टू 0 इज मिनिमा। और वैसे भी आप में से कई बच्चे जानते हैं जिन्होंने y इज इक्वल टू x की पावर 4 का ग्राफ बनाया है, उन्हें पता है x इज इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आना भी चाहिए था। और अगर आपको पता होता है x क्यूब पे, अगर आपको ध्यान हो तो x क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, इधर कॉन्केविटी डाउन है उधर कॉन्केविटी अप है, तो बीच में किसी पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज हो रही है, बिल्कुल कॉन्केविटी चेंजेस, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर कॉन्केविटी चेंजेस, लिख लो, लिख लेते हैं। Where concavity changes, आइए इसलिए मैंने आपको दिखा दिया भैया ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसकी फोटो ऐसी है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है, मैं आपको बार बार कह चुका हूं, आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया मेरी बात पे, कि ये अपने आप में एक टेंजेंट है, इस जगह पे ये टेंजेंट है और टेंजेंट इस जगह पे क्रॉस कर रहा है, टेंजेंट नॉर्मली टच करता है लेकिन यहां पे टेंजेंट क्रॉस कर गया, तो याद रखिएगा टेंजेंट क्रॉस करता है, याद रखना। और ये भी जरूरी नहीं है कि सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है, कई बार सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता समटाइम, ये भी याद रखना, समटाइम एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, समटाइम एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेकंड डेरिवेटिव
सेकेंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट. आइएगा सर, एक छोटा सा खेल खेलते हैं, ठीक है? आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूं. तीन क्वेश्चन का जवाब देना है. पहला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन है इंटरवल वेयर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. हां सर, जहां पे फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करे. आप अपनी तरह से देख लें, ये मैंने आपके सामने बना दिया है ग्राफ. सोच लिया? आप अपनी तरह से आंसर भले मत कोट करो, लेकिन सोच के देख लो. आप सोच के रख लो चुपचाप, बस मेरे से मिला लेना. हाँ भाई, पहला इंटरवल जहां पे फंक्शन मुझे इंक्रीज करते दिखता है वो है 2 से 4. क्यों? क्योंकि आपकी नजर पड़ी नहीं कई बार जल्दबाजी में कि ग्राफ एफ डैश एक्स का है. ग्राफ एफ डैश एक्स का है. जहां पर भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, और कोई भी फंक्शन पॉजिटिव जब भी होता है तो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है. तो ग्राफ एफ डैश एक्स के ऊपर कहां से काम है? यहां से यहां में, और इसके सिवा 6 के आगे 9 तक है. इन सभी जगह पे ग्राफ एक्स एक्सिस ऊपर है, और जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस ऊपर होगा फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग. तो कहने का मतलब ये कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है ना, फ्रॉम एक्स बिलोंगिंग टू कहां से कहां तक? 2 से लेकर के 4 तक लगातार, और फिर 6 से लेकर के 9 तक. क्या कहते हो आप? और डिक्रीजिंग आप सोच ही लोगे, कर लोगे डिक्रीजिंग तो सोच लोगे ना. बहुत छोटी सी चीज है, जिसमें क्या टाइम खराब कर रहे हो. हाँ भाई, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 2 तक यूनियन, 4 से लेकर के 6 तक. ठीक है, आ जाओ जल्दी से. अगला सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, रेडी? मैंने कहा ना बहुत छोटी चीज पे आप बिल्कुल एकदम लास्ट पॉइंट पे हिट हो सकते हो, इसलिए बहुत बचा करके खेलो, ध्यान से देखना, ठीक है? अगला टाइटल है इंटरवल वेयर फंक्शन इज कॉनकेव अप एंड डाउन. हाँ भाई, पहला, अब आप सोचना चालू करो कौन के बाद. मैं जानता था 2 पैर का होगा तू, क्योंकि फोकट का काम कर रहा है. 2 से क्या फर्क पड़ता है? क्लोज और ओपन से कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने कहा ना एक पॉइंट अपने लिए डिलीटेड है, ऑब्सलीट है. एक पॉइंट तो कुछ भी दे सकता, उधर भी जा सकता उधर भी जा सकता. अगले क्वेश्चन में दिमाग लगा ना तू खटाखट. हाँ भाई, अब बता, मजा आएगा. तू मेरे को कौन के बाद बता दे, सोच के बता दो, मजा आ जाएगा. एफ डैश एक्स का ग्राफ है, आपको कौन के बाद दिखाना है मुझे. नहीं, कौन के बाद का मतलब होगा जहां पर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो. हाँ या ना? या इसका मतलब है जहां एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग हो. अब सोचो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग का है, ये ग्राफ किसका है? तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग कहां से काम है? 1 से लेकर 3 में, यहां से यहां तक में. और दूसरा कहां से कहां तक में? 5 से लेकर के. आया? तो कहना मतलब एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 1 से लेकर 3 यूनियन
पांच से लेकर के सात आगे तो और फिर वापिस से आठ से नौ यूनियन आठ से नौ आया और अगला सेकेंड कॉन्केव डाउन सोच लोगे कॉन्केव डाउन सोचो जल्दी जल्दी जहां पे एफ एक्स डिक्रीजिंग हो जीरो से एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन यूनियन तीन से पांच यूनियन सात से आठ वेरी गुड है ना अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में बहुत कुछ सोचने को देता है आपको अभी अगला क्वेश्चन पूछता हूं ठीक है पॉइंट नंबर तीन इसी क्वेश्चन के अंदर थर्ड पॉइंट है ठीक है वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ हैज लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हाँ भाई एक्स की वैल्यूज पहले ही सोचो जहां पे भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहां क्या होता है एफ डेस एक्स जीरो होता है बिल्कुल है ना हाँ यही तो आपको सिखाता है ना जहां भी लोकल मैक्सिमा जहां लोकल मैक्सिमा स्लैश मिनिमा होगा एफ डेस एक्स जीरो होगा अगर एफ डेस एक्स जीरो है तो एफ डेस एक्स जीरो कहां का है एक तो दो पर एक चार पर एक छह पर और कहीं नहीं देख दो एक्स इज इक्वल टू इसीलिए उसने वैल्यूज ऑफ एक्स बोला इंटरवल नहीं बोला एक्स बिलोंगिंग टू टू फोर सिक्स राइट है अच्छा इसी के अंदर मैं अगला क्वेश्चन इसी के अंदर क्रिएट कर रहा हूं मैं कहता हूं मेरे को तो प्योर लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताओ कोई बताए तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा वो तो हमने दो चार छह बता दिया मैं बोलता हूं नहीं सिर्फ मेरे को लोकल मैक्सिमा बताओ पहली बात जहां एफ डेस एक्स जीरो हो और क्या हो और किसी को याद है फंक्शन में अगर मैक्सिमा आता है तो अगला इंक्रीजिंग से तो माने एफ डेस एक्स का साइन कैसा हो पॉजिटिव से नेगेटिव अब सोचो पॉजिटिव से नेगेटिव कहां पर हो रहा है एफ डेस एक्स पॉजिटिव कहां है यहां पर फोर पे पॉजिटिव फोर से पहले पॉजिटिव और फोर के बाद नेगेटिव तो कहना मतलब लोकल मैक्सिमा कहां है सिर्फ एक्स इज इक्वल टू फोर पे और लोकल मिनिमा कितना सही क्वेश्चन है एक ही बारी में सब कुछ निपटा देता है आपकी सोच बदल देता है कितना एक्स बिलोंग्स टू दो और छह आएगा नहीं आई एक ही क्वेश्चन यही दोबारा देख लो सारे कंसेप्ट खुद के दिमाग से धुल जाएंगे क्लियर हो जाएंगे कि हाँ फायदा हो गया या आपको उल्टा याद करा देता कि अच्छा लोकल मैक्सिमम वो जगह होती है जहां एफ डेस एक्स जीरो और एफ डेस एक्स जीरो ही नहीं हो एफ डेस एक्स जीरो में भी एफ डेस पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा हो याद है ना पॉजिटिव से नेगेटिव माने दुखी दुखी होगा तो दिवाली मनाएगा कहेगा मैं नहीं मैक्सिमा आ रहा है मैं आया आ जाओ चलो आगे ठीक है थोड़े भारी क्वेश्चन के बाद अभी चिल्लरों की बरसात हो जाए है ना दुखदाई तो नहीं था अगले क्वेश्चन में चलते हैं ठीक है क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा फॉर एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस एट बात करूं मेरे को किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है मेरे पास हमेशा दो तरीके रहेंगे पहला एफ डेस एक्स माने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड है
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब याद दिलाता हूं क्या तरीका था। पहला काम, अगर मैं इसका डिवाइड एक्स निकालता हूं तो आप में से हर एक बच्चे को बताना चाहिए इसका डिवाइड एक्स 3x² - 12x + 9 होगा। होगा, तीन कॉमन ले लीजिए, अंदर की तरफ x² - 4x + 3 बचाएगा। इसके भी टुकड़े कर दीजिए, x - 1 × x - 3 हो जाएगा। कभी भी इसे जीरो मत रखिए। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चला रहे हैं, मैं इसको FDT से कर रहा हूं साथ, FDT में जीरो मत रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, FDT में DDS को जीरो नहीं रखना। FDT में आप सीधे बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या दिख रहे हैं, 1 और 3, उन्हें उठा के नंबर लाइन पे रख दो। कहां नंबर लाइन पे रख दिया। रखने के बाद इसकी डिग्री ऑड है कि इवन है? ऑड है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा। अब जल्दी से बताना, 1 पर प्लस से माइनस, कमी या फायदा? कमी होगा तो अगला दिवाली माने मैक्सिमा, याद आया, और माइनस से प्लस मिनिमा। तो कहने का मतलब मैक्सिमा कहां पर आया? मैक्सिमा आया 1 पर और मिनिमा आया, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, मिनिमा 3 पे आया। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू मांगी होती तो क्या करता? तो 1 उठा करके फंक्शन में रख देता। ठीक है, तो लिख लेते हैं बात छोटी सी, मैक्सिमा कहां है एट x = 1। ठीक है, और अगले ने अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती, f(1) = 1 - 6 + 9 - 8, ठीक है, कितना 10 - 14 - 4। ठीक है, याद रखना मैक्सिमा के बाद मिनिमा और मिनिमा के बाद मैक्सिमा आता है। ये छोटी बात है लेकिन काम की चीज है ना, लिख दें बात भी। मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर्स अल्टरनेटिवली फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना, फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, इफ इट इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये जानबूझ करके मैंने व्हाइट चौक से लिख दिया ताकि आपको क्लिक कर जाए कि मैंने कुछ अलग से डालना चाहा। मैक्सिमा और मिनिमा नॉर्मली हर एक फंक्शन के लिए एक के बाद एक आते हैं, मैक्सिमा के बाद मिनिमा, मिनिमा के बाद मैक्सिमा आता है, बशर्ते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। राइट है, लफड़ा कैसे आ सकता है लीजिए, लफड़ा भी दिखाता हूं। लफड़ा कहां होता है, जैसे लीजिए महसूस कीजिए क्या कहते हो, इस पे क्या आ रहा है मैक्सिमा, और उसके बाद यहां तो कुछ भी नहीं है, ये तो कांस्टेंट चला गया, और वापस क्या आ गया, मैक्सिमा के बाद मैक्सिमा आ गया, फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। हाँ या ना, लफड़ा हो गया ना, लेकिन हम कह सकते हैं ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए हमारी बात सही है। अपने दोस्तों से पूछा जा सकता है, तेरे को बताया था ना मैक्सिमा के बाद मिनिमा था, देख मैं, मेरे को बता इसमें तो नहीं आ रहा। ठीक है, तुरंत जाएगा दौड़ा दौड़ा अपने टीचर के पास उड़ता हुआ, अरे यार ये तो ऐसे कर बनने लगे सर मार्केट में, मैक्सिमा के बाद मैक्सिमा। ठीक है, याद रखना उसमें पूरी बात ये होती है कि डिफरेंशिएबल होना जरूरी होता है। अगले पॉइंट पाता हूं, ठीक है आ जाए करें बात इसमें। अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, चाहे तो एक आप कर लोगे, कर डालो, चलो देखें। क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट फॉर f(x) = x²(x - 2)2। छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, कर जरूर देना, कहीं पता चला इसमें भी इज्जत नहीं बनी। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, u.v से, है ना। हाँ, वैसे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं डिफरेंशिएशन में, दो ब्रैकेट्स की शॉर्ट ट्रिक्स, दो ब्रैकेट्स होने पे ही करना यूज में, दो ब्रैकेट्स की एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, f(x) लिखो और जो दोनों ब्रैकेट हैं उसमें ये जरूर ध्यान रखना x पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो पहले माइनस कॉमन ले लेना। ठीक है, इसमें तो माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर पावर 2 है, दोनों की डिग्री एक एक कम कर दो, कर दी दोनों तकदीर से डिग्री 2-2 थी, कम करने के बाद एक एक रह गई, फिर इसकी डिग्री की मल्टीप्लाई इससे करो और इसकी डिग्री की मल्टीप्लाई इससे करो, दो की से मल्टीप्लाई करते 2x प्लस दो की से मल्टीप्लाई करते 2x - 4, लो गया डिफरेंशिएशन। कैसे, आप देखो आपका डिफरेंशिएशन कॉमन शॉमन लेने के बाद में यही आ रहा है, कितना 4 कॉमन x - 1, क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, x - 1 × x - 2, क्या किया मैंने, सिर्फ दो ब्रैकेट में लगाना है, x पॉजिटिव रखते हो दोनों की डिग्री एक एक कम, इसकी डिग्री गुणा इससे, इसकी इससे, दोनों को जोड़ दिया आंसर आ गया। नहीं है, छोटा तरीका है,
है ना। एनीवे आपका अगर डेरिवेटिव आ गया, आप तो ये बताओ नंबर लाइन पे क्या कर सकता हूं, जल्दी बताओ जल्दी। एक तो 1012, अच्छा फिर आगे प्लस माइनस। हाँ भाई मैक्सिमा के पॉइंट बोलो, ये यहां पे क्या आया, यहां पे क्या आया मिनिमा, अच्छा और यहां क्या आया साहब, बहुत बढ़िया मैक्सिमा, और यहां क्या आया साहब मिनिमा आया। तो मैक्सिमा के कितने पॉइंट हुए साहब, मैक्सिमा के पॉइंट हुए 1, सिर्फ ओनली 1, और मिनिमा के 0 और 2। आ गया नहीं आया, अब एक क्वेश्चन आप कर दो, कर दोगे है ना। इस वाले में आपने फिर ज्यादा समय ले लिया डिफरेंशिएशन करने के दौरान। अगले क्वेश्चन में मैं आपको फिर से 2 क्रेडिट दे रहा हूं, मेरी टेक्निक लगाने का एक शानदार मौका, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है लीजिए लगाइए फाइंड, ठीक है मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट फॉर है ना एफएक्स इज इक्वल टू में दे रखे हैं x की पावर 25 और यहां दे रखा 1 माइनस x की पावर 75। डू इट फुल फास्ट एकदम खटाखट वाला है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है बात। ये फंक्शन में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा, मैंने कहा था सारे x पॉजिटिव होने चाहिए, ये 25 इसे x माइनस 1 करते ही क्योंकि पावर 75 माइनस 12 आ जाएगा, अब जरूर एफ डैश x हो सकता है। तो पहली चीज समझना, सीन ही सीन है इसमें, माइनस बार x की पावर 25 है तो मैंने एक कम किया, x की पावर कितना रह गया 24, या x माइनस 1 की पावर 74, तब तक 75 किससे मल्टीप्लाई हुई 75x प्लस में 25 x माइनस 25 हुआ। आप में सभी को बता होगा माइनस बार x की पावर में कितना हो गया 24, यहां पे कितना हो गया x माइनस 1 की पावर 74 और यहां कितना हो गया 100x माइनस 25 हुआ कि नहीं हुआ, आप सभी को पता होगा। अब मैं आपसे टर्निंग पॉइंट पूछता हूं, बताओ नंबर लाइन पे एक तो जीरो, एक से तो जीरो आया, दूसरे से 1, इससे बेहतरीन बेहतरीन 1/4। अब यहां प्लस से नहीं चालू करूंगा, माइनस से चालू करूंगा, कारण बताओ बार माइनस है, अगर आपने इक्वल टू जीरो लिख दिया होता तो ये जीरो के कारण माइनस प्लस हो जाता, इसलिए कभी भी डेरिवेटिव के बाहर डिवाइड एक्स में कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि एफडीटी में आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड एक्स जो है वो है माइनस से चालू हुआ, फिर एक सेकेंड 1 पे 1 किसने दिया, इसने दिया, इसकी डिग्री कैसी है तो साइन चेंज, अगला 1/4 किसने दिया, इसकी डिग्री ऑड तो प्लस, और 0 पर प्लस। हाँ भाई बताओ साहब प्लस से प्लस NMNM, नो मैक्सिमा नो मिनिमा नो मा, याद आया, अच्छा जल्दी से बताओ साहब प्लस से माइनस, कमी माने मैक्सिमा, अरे कमी है तो दिवाली, याद आया माइनस से माइनस, नो मैक्सिमा नो मिनिमा नो मा। हाँ भाई तो फाइनली 1/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लिख दो। हाँ भाई कितनों से उल्टी बात हो गई, हो गया, हाँ होता है कई बार ये बिल्कुल उल्टा चला जाता है, प्लस माइनस चल जाता है, ठीक है इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया होगा शायद, ठीक है। एनीवे मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1/4, दैट्स इट। आ जाओ अगले पॉइंट पे चर्चा इसी के अंदर, हाँ भाई अगला क्वेश्चन है इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू बताइए साहब, अगर एफडेस एक्स इतना है तो ए और बी पे क्या क्या आने वाला है, ए और बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो है यही है, कौन बड़ा कौन छोटा कुछ नहीं बताया जल्दी करें, आपकी बात अधिकतर बच्चों को तो ये ध्यान नहीं पड़ता, 3-3, 4-4 बार बोलने पे कि एफडेस एक्स है, अगर एफडेस एक्स है तो दोबारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, सीधे अपने पास दो ही पॉइंट होंगे ए बी, या तो ये, या आप यही तो कह सकते हो कि उल्टा होगा, बी इधर होगा ए इधर होगा, यही तो बोल रहे हो भाई, दोनों में से कोई तो केस होगा। अब आप इधर से चालू करो, चलो प्लस बी ऑड माइनस ए इवन माइनस, माइनस से माइनस नोमा, राइट है भाई, और माइनस से प्लस फायदा मिनिमा, बी पे क्या आया मिनिमा, अब चलिए इधर प्लस ए इवन प्लस का प्लस, बी पे माइनस, माइनस से प्लस
फायदा है आप? हाँ मिनिमा, बिल्कुल मिनिमा, और प्लस से प्लस नौमा। अब आप बता दो, ए पे तो हर बार वही आया और बी पे हर बार मिनिमा आया, नहीं आए मेरी बात समझ। इसका मतलब ए और बी के बड़े और छोटे होने का कोई रीजन नहीं बनता था, इसीलिए कोई भी नहीं बता रहा था। समझ में आया? तो बी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑलवेज। एनीवे काम की बात और बताता हूं, जिन लोगों को इनइक्वालिटी याद है उन्हें यह भी याद होगा कि जिस ब्रैकेट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इवन है तो पॉजिटिव होगी, वो गायब हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि पूरी कहानी में कभी ए था ही नहीं, ओनली बी था, तो प्लस से माइनस मिनिमा ही था। बी याद आया? नहीं याद आया, सही है ना? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, छोटा परंतु काम का। क्वेश्चन में दे रखा है एफडेस एक्स इजिकल टू 2010 एक्स माइनस 2009, ब्रैकेट में दे रखा है एक्स माइनस 2010 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में दे रखा है एक्स माइनस 2011 का होल क्यूब, आगे दे रखा है एक्स माइनस 2012 की होल पावर 4, ठीक है भाई। एंड जीएक्स इज अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन जी एक्स, फाइंड फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट ऑफ fx, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमम पॉइंट ऑफ एफ एक्स। अभी मैक्सिमा एंड मिनिमम पॉइंट ऑफ जी एक्स, बोलो यहां से जाने में खट से नहीं पकड़ लेगा। हाँ भाई, आप में से कितने लोगों को पहली चीज ये समझ में आ गई कि जीएक्स क्या है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ई की पावर एफ एक्स, तो आपको जीएक्स का मैक्सिमा या मिनिमा बताना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? और जीडेस एक्स बराबर क्या होगा? ई की पावर एफ एक्स इंटू में कितना एफ डेस एक्स होगा कि नहीं होगा, और एफ डेस एक्स की वैल्यू दे रखी है। आप में से कितने लोगों को ये क्लिक कर रहा है कि ई की पावर एफ एक्स तो खुद पॉजिटिव है, तो वो तो बाहर ही रह गया खेल के, और एफ डेस एक्स में जवाब रखोगे तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 2010 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2009 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2010 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2011 का होल क्यूब, एक्स माइनस 2012 की होल पावर 4। कर दो आप सॉल्व, सॉल्व कर लें आप। हाँ भाई लगाइए जोर, क्या है तो ये बाहर ये बाहर, बचा कौन? ये ब्रैकेट ही तो बच रहे हैं, और जिनमें भी अगर आप ध्यान लगा रहे हो थोड़ा सा, तो एक बार लिख लेता हूं, मैं तो सबको लिखता हूं, 2009 लिख लेते हैं, 2010 लिख लेते हैं, 2011 लिख लेते हैं, 2012 लिख लेते हैं। अब बोलो आप प्लस से चालू करो, 12 की डिग्री 4 है तो प्लस का प्लस, 2011 पे प्लस का माइनस, 2010 पे माइनस का माइनस, 2009 पर माइनस का प्लस, हाँ या ना? अब बोलो आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये अपने आप में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वेरी गुड, और ये माइनस से प्लस मिनिमा, और बाकी सब मैंने मैंने ये आईटी है, ये आईटी का क्वेश्चन है 2012। अब बताइए आप, ये तो फ्री गिफ्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर आपने ढंग से पकड़ रखा है ना, आप जल्दबाजी में नहीं पड़े कि नहीं मैं तो शीट के अंदर आने वाली ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन पे भागूंगा। आपको पता लगेगा अधिकतर क्वेश्चन अपनी शीट के अंदर अराउंड 50% क्वेश्चन जो है वो सारे ज्योमेट्रिकल बेस्ड हैं, तो हमारी क्या कई बार एफडीटी एसडीटी पे तैयारी नहीं हो पाती, तैयारी नहीं हो पाती। तो प्रोटोकॉल वे में भी अगर देखा जाए ना, तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो कम से कम एक बच्चे को करने चाहिए। अब ये तो हम 12वीं में हो, आपको भाई धीरे धीरे जमेगा, 13 के स्टूडेंट के लिए फिर भी उसको पता है वो साल भर d2y/d2 घिस क्या है, उसके लिए उतना पंगा नहीं है। आपके लिए बहुत जरूरत की चीज है ये सब, थोड़ा इसलिए मैं एक्स्ट्रा
वे में चल रहा हूं। हाँ भाई चलो अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही साधारण सा प्रश्न एक और ले रहा हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 3x² प्लस का 12x माइनस 1, कब जब माइनस 1 x और 2, और यहां दे रखा है 37 माइनस x जब 2x एंड 3। पहला क्वेश्चन है, पहला है ऑप्शन में दे रखा है कंटिन्यूस इन माइनस 1 टू 3, सेकंड है डिफरेंशियबल इन माइनस 1 टू 3 राइट है, और तीसरा ऑप्शन है मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 2 ठीक है ना, एंड फोर्थ दे रखा है ऑल ऑफ दीज। एक क्वेश्चन कर लो, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मैक्सिमा मिनिमा सब क्लियर, पूरा एओडी निपटा देता अकेला क्वेश्चन अगर आपको बेसिक आता है तो, है ना भाई। सबसे पहले बात करता हूं कंटिन्यूटी पे, करें बात। आइए साहब, कितने लोगों को पता है कि हम तो कंटिन्यूटी ऐसे चेक करते हैं, टर्निंग पॉइंट क्या है साहब? टर्निंग पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2, और एक्स इज इक्वल टू 2 इधर रख दू तो 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 12 इंटू 2 माइनस 1 बराबर में अगर 37 माइनस 2 हो गया तो ठीक है, नहीं तो मना कर देंगे, डिसकंटिन्यूस है। हाँ भाई कितने लोगों को लगता है ये 35, और यहां पे अगर देखा जाए तो 12 इंटू 3 सॉरी 4 इंटू 3 12 और ये 24 36, 36 में से एक गया 35, हम तो बोलते हैं एग्जाम कंटिन्यूस है, सही है। लो ऐसे LHL इक्वल टू RHL, याद है LHL इक्वल टू RHL, अपने आप ही लपक में आ गया, सही है। दूसरी बात डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी कैसे करा करते थे याद करो, क्या करते थे, अरे एफ डेस एक्स निकालते थे, आए ना, तो एफ डेस एक्स क्या निकलेगा जल्दी बताओ, 6x प्लस 12 आए ना, माइनस 1 से लेकर के 2 के लिए, अच्छा इसका कितना निकलेगा माइनस 1, कब जब 2 से लेकर के, विकेश याद है ना, सही है ना। हाँ भाई अगर अपने डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं तो क्या निकाला करते थे, एलएचडी आरएचडी, जल्दी से बता दो, एलएचडी माने एल का क्या मतलब होता है लोगों को बताओ, लेस देन, एल माने लेस देन, लेस देन के सामने क्या लिखा है, तो 6 इंटो एक्स या टर्निंग पॉइंट 2 है ना भाई, एट एक्स इज इक्वल टू 2 हम टर्निंग पॉइंट पे चेक करते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 12 उर्फ 24 और ग्रेटर देन 2 पर माइनस 1, क्या दोनों बराबर है, तो हम बोलेंगे नॉट डिफरेंशियबल, याद आ गया फंक्शन खटाखट क्लियर हो गया, अपने हमें नॉट डिफरेंशियबल आ गया, कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशियबल। अब लफड़ा पड़ गया किस बात का, कि हमको पता चले कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, डिफरेंशियबिलिटी संदिग्ध होगी माने डीओडीएक्स ही नहीं आएगा, अगर डीओडीएक्स ही नहीं आएगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं लगेगा तो सेकंड डेरिवेटिव भी नहीं लगेगा, अरे फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज ऑफ साइन देखते हैं ना, डीओडीएक्स ही नहीं है 2 पर, फिर क्या करूं, अब यहां दिमाग लगाओ ठीक है, अगर डीओडीएक्स नहीं है 2 पर तो 2 पर डीओडीएक्स देखता भी कौन है, हम तो 2 से पहले और 2 के बाद देखते हैं, तो कहने का मतलब ये कि तीसरे नंबर पे चेंज ऑफ साइन, चेंज ऑफ साइन ऑफ डीओडीएक्स ठीक है ना, बिफोर एंड आफ्टर, आफ्टर एक्स इज इक्वल टू 2, हम तो डीओडीएक्स का साइन देखेंगे, कैसे देखोगे सर, आप देखोगे कैसे भाई, ये 2 लिखेंगे ऐसे, और मैं आपसे पूछूंगा कि आप में से कितने लोगों को पता है एलएचडी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डीओडीएक्स, लेफ्ट हैंड डीओडीएक्स, डीओडीएक्स डेरिवेटिव माने डीओडीएक्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है 24, किसके लेफ्ट हैंड की, 2 के, 2 से पहले 2 के लेफ्ट पर डेरिवेटिव की वैल्यू 24 है साहब, किसकी, डीओडीएक्स की, और 24 हमने हमें पॉजिटिव या नेगेटिव, और आरएचडी की वैल्यू कितनी है माइनस 1, याद आया आपको, जो कि कैसी है नेगेटिव, तो प्लस से क्या हुआ माइनस, और प्लस से माइनस होते ही मैक्सिमा, तो मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 2। कितने लोगों को पता है कि फंक्शन 2 से पहले इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, अरे डीओडीएक्स पॉजिटिव है इंक्रीजिंग, और 2 के बाद, बताओ आपको सब बताया इस क्वेश्चन ने, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनोसिटी है कि नहीं, और लास्ट में मैक्सिमम इन्हें भी बता के क्या आई की नहीं बात समझ में, दैट्स द वे इट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। आप में से कई लोगों की मैं परिभाषाएं बदल रहा हूं, एल माने लेस देन की जगह मैं जानबूझ करके, सॉरी एल माने लेफ्ट हैंड की जगह मैं लेस देन बोलता हूं,
एलएचडी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसे एल लेफ्ट हैंड डीवा बाय डीएक्स बोलता हूं ताकि आपको याद पड़ेगी डीवाईडीएक्स है भाई। एक्चुअल में जो आप ये देख रहे हो डीवाईडीएक्स है, आपके दिमाग में बैठती है बार बार बात कि नहीं ये ऐसे हुआ करता है। बेसिक सही रखो और जल्दी बनाओ, समय ज्यादा मत लो। अब आजकल का जमाना वैसा नहीं रहा, लोग सीमेंट तक ऐसी चाहते हैं जो 6 घंटे में जम जाए। हाँ भाई क्वेश्चन है, एफएक्स इज इक्वल टू में प्यारा सा फंक्शन दे रखा है ई की पावर एक्स, कब जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 राइट है भाई, 2 - e^x - 1 जब एक्स की वैल्यू 1 सेट 2 और एक्स माइनस ई जब 2 से 3 ठीक है। एंड जी एक्स इज इक्वल टू में आपको दिया गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x ठीक है, 0 to x एफ टी डॉट डी टी ठीक है, व्हेन एक्स बिलोंगिंग टू 1 to 3 फाइंड लोकल मैक्सिमा मिनिमा ऑफ जी एक्स। दिन है आज है ना, आज तार कटेगा। आइए करते हैं बात, कितने लोगों को बताएंगे आपको मैक्सिमम मिनिमम जीएक्स का निकालना है और जीएक्स को तो अपने आप में इंटीग्रेशन में, लेकिन लिमिट कैसी है कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल के लिए पहला काम जीएक्स का मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए जी डेस एक्स निकालूंगा और जी डेस एक्स किसके हाथों निकलेगा? न्यूटन लेबनीज, और न्यूटन लेबनीज हो जाएगा एफ एक्स, सोच लेना आप लोग। फंक्शन में पहले टी की जगह एक्स और फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 आया तो एफ एक्स, और एफ एक्स खुद क्या है, एफ एक्स खुद अपने आप में क्या है भाई, ई की पावर एक्स और नीचे कितना 2 - e^x - 1 और यहां पे कितना x - e राइट भाई, x - e और ये कब कब, जब x की वैल्यू अपने आप में 2 से 3 हो, ये जब x की वैल्यू अपने आप में 2 से 1 हो और ये जब x की वैल्यू 0 से 1 हो। हाँ या ना, आप ही बताओ पहला काम क्या करते हैं आप। अब यहां पे देखो सुनो, यहां पे हम लोग चेंज ऑफ साइन देखेंगे मर जाएंगे, चेंज ऑफ साइन नहीं देख सकते। पहला काम करता हूं, मेरे पास डीवाईडीएक्स आ गया, ये डीवाईडीएक्स आ चुका है, मानते हो आप ये? yes, अगर डीवाईडीएक्स आ गया तो मैं डीवाईडीएक्स इक्वल टू 0 करता हूं। yes, बोलो डीवाईडीएक्स के इक्वल टू 0 करने का मतलब हुआ ठीक है, मैं सबके आगे 0 लगा रहा हूं भाई, इसे कहते हैं डीवाईडीएक्स इक्वल टू 0 रखना ठीक है। एसडीटी काम में लूंगा, क्या काम में लूंगा, एसडीटी हर चीज लिख रहा हूं बोर्ड में ठीक है। मेरे तो मेरी उम्मीद है आपसे ज्यादा कि बोर्ड पे जो लिखा था तो उससे भी ज्यादा लिखो ठीक है। घर पे जाकर हर बात सोचो क्या किस समय क्या मौका, सर को बचाना क्यों सोचा, फर्स्ट डेरिवेटिव पे क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव ढंग से है ही नहीं, फंक्शन तो ढंग से है, अभी तो सिर्फ इक्वल टू 0 रखा जा सकता है, मैंने डीवाईडीएक्स इक्वल टू 0 रखा, जैसे इक्वल टू 0 रखा इस पार्टी ने मना कर दिया उठा ले इसको। मैंने कहा क्यों क्या हुआ, यार हमारे खानदान में कभी कोई 0 से छोटा पैदा नहीं हुआ, हम सारे पॉजिटिव हैं, ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वी आर ऑलवेज पॉजिटिव, हम कहां से 0 दे देंगे, हटा इसको, चलो भाई ले चलो भाई है ना, इसको हमने कहा आपके सामने रख ले, इसने कहा देखो एक मिनट कोने में आ जाओ ठीक है, ई की पावर एक्स माइनस 1 बराबर 2 x-1 बराबर ln 2 सोच लेना आप लोग। हाँ या ना, याद है ना ln ले लिया दोनों तरफ, ln ले लिया दोनों तरफ, ln e तो हट गया, ln 2 बच गया बेचारा। अच्छा इधर x की वैल्यू कितनी चमक गई, 1 + ln 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन सक्सेसफुल। हाँ या ना, अरे नहीं आया बात समझ में, इसने x की वैल्यू दे दी, अब इस x की वैल्यू पर मेरे को सेकंड डेरिवेटिव चेक करना मांगता है, आई बात समझ में। अच्छा इसके सामने बैठाया कि भाई तेरा क्या सीन है बता भाई, किसने कहा आप भी आता कौन है, एक्स बराबर कितना ई बताओ कितनी वैल्यूज मिली, डीवाईडीएक्स को 0 रखने पर मुझे 2 वैल्यूज मिली, इन जगहों पर मेरे को सेकंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, अगर पॉजिटिव आया तो सेकंड डेरिवेटिव मिनिमा और अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। आओ सेकंड डेरिवेटिव याद है ना भाई, तो जी डबल डैश एक्स माने इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये वाली पार्टी है या जा चुकी क्योंकि 0 में शामिल नहीं है, तो अगला सिर्फ 2 पार्टियों का डिफरेंशिएशन होगा। बोलो इसका डिफरेंशिएशन 2 का, बोलो ई की पावर एक्स माइनस 1 का, ई की पावर एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 का 1 क्या बोलना उसका, अरे माइनस तो फ्री में आ रहा था बेचारा। अच्छा और ये वाली वैल्यू एक्स 2 और यहां लिख दो, हाँ भाई इधर एक्स डिफरेंशिएशन 1 ये कब का 2 एक्स और 3 रख दो। अब मेरे को क्या करना है, रेडी आइए
आप मेरे को जी डैश में, जी डबल डैश में एक बार तो एक्स की जगह वन प्लस एल एन टू डालना है और एक बार मेरे को जी डबल डैश एक्स की जगह ई डालना है. डालू एक्स की जगह ई डालता हूं तो एक्स की जगह ई इसमें जाएगा ना. अरे याद है ना, दो पॉइंट सात एक दो से तीन के बीच होता है तो कितने वैल्यू आई, वन. पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव माने मिनिमा, ई पर मिनिमा आया. अच्छा अगर मैंने वन प्लस एलेवन टू डाला तो इसमें डालूंगा, डाल दो. तो ये वाली वैल्यू डालते माइनस ई वन प्लस एलेवन टू माइनस वन. वन और वन कट गया, ई और एलेवन भी, ई और एलेवन भी कट गया, काट दो. अच्छा कितना रह गया, माइनस टू. तो आंसर आया माइनस टू. बोलो माइनस टू नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव. तो मैक्सिमा, तो क्या बोलो, मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एलेवन टू और मिनिमा एक्स इज इक्वल टू ई. क्लिक है, आ जाओ जल्दी से, है ना. एट राइट है. अब देखो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव पे कुल मिला के पांच छह क्वेश्चन कर लिया अलग अलग थे. ये जरूर एसडीटी था, सेकंड डेरिवेटिव था, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव आप में से कई लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि उसमें डीवाई का साइन चेंज करना पड़ता है. ये बात सिर्फ पूरे कमरे में एक ही आदमी को पता है, मुझे. आप में से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको. अच्छा अब अगला क्वेश्चन आप करो, मैं सुनूंगा. एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है टू एक्स क्यूब माइनस में दे रखा है साफ पंद्रह एक्स स्क्वायर प्लस में दे रखा है छत्तीस एक्स माइनस में दे रखा है 48. ठीक है, ऑन द सेट ए इज इक्वल टू में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस बीस इज लेस देन इक्वल टू 9x. राइट है भाई, फाइन मैक्सिमा पॉइंट. हां जी साहब, फाइन मैक्सिमा पॉइंट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर. मेरे को पता हल्का तो क्वेश्चन आप यूं रिगड़ दोगे खत्म. हाँ लेस देन इक्वल टू 9x. देखो अब आप, यही तो कमाल है पूरी कहानी में. इसने कहा इस सेट में अपना आंसर कोट करो, ठीक है ना. अब हमारे को दोनों को मिला के खेलना पड़ेगा. पहले एक को ढंग से पकड़ो, ए उस x के लिए काम कर रहा है जो ये है. ए इसके अंदर 9x को कहो ना तो बेटा इधर ना एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस का 20 इज लेस देन इक्वल टू जीरो. इसने अपने आप टुकड़े टुकड़े कर लिए, x माइनस चार एक्स माइनस पांच लेस देन इक्वल टू जीरो. दो ब्रैकेट अंदर की और मैंने x की वैल्यू चार से पांच में आया ना. अब आपको अपना आंसर जो है इस सेट में देखना है, आपको अपना उत्तर चार से पांच में देना है कि मैक्सिमा कहां आ रहा है. ठीक है, आपको, अरे कैसा लिखते हैं, आपको आपको आंसर इस सेट में देना है, इस सेट में, अरे इस सेट में देना है. अब मैं बताता हूं वो कैसे आएगा. देखो माने चार से पांच में आंसर देख के देना है. अब सुनो आप, अब आ जाओ फंक्शन पे कि फंक्शन आवा इधर. ठीक है, फंक्शन आएगा इधर किसी हुजूर एफ डैश एक्स बता दे रहा, वो बताएगा आपको आठ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस तीस एक्स प्लस छत्तीस कॉमन आगे जल्दी से बोल दो छह. अरे बोल दो एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस छह टुकड़े टुकड़े हो गए छह इंटू एक्स माइनस दो इंटू जल्दी से बता दो प्लस माइनस प्लस कर लिया दो या तीन या प्लस या माइनस या प्लस या हाँ या ना. अब आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि प्लस का मतलब होता है फंक्शन इज इंक्रीजिंग. फंक्शन कैसा है, तीन के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है तो चार से पांच में भी तो इंक्रीज करेगा. आया ना, तो इसका मतलब ये कि ध्यान से सुनना x बिलोंग्स टू चार से पांच में फंक्शन इंक्रीजिंग और अगर इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम कहां होगा, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू पांच. ये तो वो पूछना चाहता है. अगर चार से पांच में इंक्रीजिंग है तो पांच में सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा होगा. अरे नहीं आई बात समझ में,
आपको पता लग गया प्लस माइनस प्लस। अब उसने क्या किया, वो जो आप प्लस माइनस प्लस करते हो ना उसका यूज करवा लिया। बेटा क्या करता है तू प्लस माइनस प्लस, ये क्या मैक्सिमम मिनिमम निकालता फिरता। ले और सोच, ठीक है तेरे को एक चुपचाप एक इंटरवल दूंगा, तू बता इस इंटरवल में बड़ा कहां है। तो आपको बदला चार से पांच का इंटरवल उसने दिया, वो चार से पांच में ये फंक्शन प्लस लेके बैठा था, माने फंक्शन डिवाइड एक्स जो था इंक्रीजिंग था। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग था तो चार से पांच में फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, यू। तो चार पे और पांच में टॉप कहां होगा, पांच पे, तो पांच पे मैक्सिमम होगा। नहीं नहीं हमेशा इंक्रीजिंग नहीं होता, इंक्रीजिंग भी होता है। हाँ हाँ ऑड वॉल्यूम में जो वो रेंज आर होता है, बस इससे क्या रेंज आर होता है, तो मतलब ये जो ऊपर नीचे कहीं भी जाता है। आई का नहीं यार, आप बोलते नहीं हो यार आजकल आप। हाँ बोल लो, सही है, सही है। बहुत दिनों बाद, अब तो वैसे भी मेरे को पता है, यहां अगले पॉइंट पे बात करते हैं, है ना। आइए ना भाई, अगला क्वेश्चन है, लिखिएगा क्वेश्चन में दे रखा है। अगर आपका एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू में कितना ए एक्स और ई की पावर में दे रखा बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, अटेन्स, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू वन एट एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है, फाइंड ए एंड बी। ये फंक्शन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू टू पे आती है, बताओ ए और बी क्या है। तो आप में से कितने, पहले स्ट्रेटजी बताओ, स्ट्रेटजी ऐसा तुक्के में मत उड़ते हुए मत चलो, मैं करूंगा मैं करूंगा, ठीक है। हाँ पहले ये सोच लो, ये फंक्शन कह रहा है कि मैं दो पे मैक्सिमम देता हूं, इसका क्या मतलब है, इसकी सुनो ही मत। आप सुनो कि फंक्शन, तू इधर आ, बताओ तेरी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालू, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, एफ डेस एक्स को जीरो रखते हैं, एक्स की बोलो ना, एफ डेस एक्स को जीरो रख के क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू जाएंगी, उन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस करेंगे, जहां मैक्सिमा आएगा वो मैक्सिमम होगा, और जहां पे मैक्सिमम आएगा उसकी कोई तो वैल्यू होगी एक्स की, उसको तो से बिड़ा देंगे कि भाई ये भी कह रहा है मैं मैक्सिमम हूं, तू भी कह रहा है मैक्सिमा देगा, बस बता मैं यही बात समझ में आया। पहले यहां तक करो, आपका काम क्या है, पहला काम इसकी फंक्शन में दिमाग लगाओ, ठीक है, निकालो इसका मैक्सिमम वैल्यू, माने एफ डेस एक्स निकालो, जीरो रखो, एक्स की वैल्यू लाओ, प्लस माइनस प्लस करो, बताओ मुझे कि क्या पे मैक्सिमम आ रहा है, तो आएगा आएगा। कितने लोगों ने एफ डेस एक्स निकाल लिया, हाँ अब देखो एफ डेस एक्स वाली कमजोरी वाले लोग, सभी लोग इधर देख लें कि एफ डेस एक्स में कहां गड़बड़ होगी, पहले यू डॉट वी लगेगा, ए ये दोनों साइलेंट, ई बी एक्स स्क्वायर साइलेंट, और एक्स का डेरिवेटिव वन, प्लस अगली बार ए एक्स साइलेंट, ई की पावर बी एक्स स्क्वायर का, ई की पावर बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर का टू बी एक्स, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ए ई की पावर बी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है साहब, अंदर ही अंदर बच रहा है वन, और ए कॉमन ले लिया, ई की पावर बी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया टू बी एक्स स्क्वायर, यही बचा ना भाई, हाँ साहब, और इसे मैंने इक्वल टू जीरो रख दिया। लो एफ डेस एक्स निकाला, इक्वल टू जीरो का, बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है, निकालो ना मेरा तो ये है, देखना तू फटाफट, अरे आप तो पहले ये निकालो, आ गया, रुक जा दो मिनट, क्योंकि बाकी लोग एक बार जरा इक्वल टू जीरो रख ले, अपने पास में कुछ छुपे रुस्तम भी है, वो भी करते रहते काम। आ गया एक्स की वैल्यू, कितनी वैल्यू आई एक्स की, कितनी वैल्यू आई जल्दी बताओ जल्दी, दो दो वैल्यू आई, एक प्लस की और एक माइनस की, नंबर लाइन पे रख लो, रख लिया नंबर लाइन पे रखो, तो ये तो सबको पता है प्लस वाला किधर रहेगा और माइनस वाला किधर रहेगा, रख लिया फटाफट करो, फटाफट 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 नंबर लाइन पे रखो रखो, अरे जीरो तो क्यों रख रहा बेटा, जीरो कहां है, अरे तेने वैल्यू नहीं निकाली, जब तू इसको इक्वल टू जीरो करेगा ये वाली पार्टी हाथ खड़े कर देगी कि मैं तो जीरो देता ही नहीं रहे, ई तो पॉजिटिव होता ही है ना हमेशा, ये अरे पॉजिटिव तो भाग जाएगा, तो इसका मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, माने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना माइनस वन अपॉन टू बी, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या निकल गई, अंडर रूट माइनस वन अपॉन टू बी, और एक बार प्लस और एक बार माइनस, नहीं आया ये दो वैल्यूज आई है एक्स की, इन दोनों वैल्यूज को नंबर लाइन पे रखो, रखा प्लस माइनस प्लस किया, बताओ मैक्सिमा किस पर आ रहा है, प्लस वाले पे या माइनस वाले पे, माइनस पे, पहले देख लो
मेरे को ही रखवाना पड़ेगा, मतलब एक जना प्लस बोलता है अगला जरूर माइनस बोलता है, एक तो क्लिक नहीं करा। हाँ भाई प्लस वाला अंडर रूट माइनस वन अपॉन टू बी बेटा तू इधर आ, और माइनस वाला अंडर रूट वन अपॉन टू बी, इसमें किसी को दर्द है क्या? विकेश तेरा सही नहीं क्या? ये सही है। हाँ भाई अब इधर बताओ क्या करूं, प्लस माइनस प्लस कर दो, बताओ मेरे को क्या करना है यहाँ पे, प्लस से माइनस कमी कमी माने, मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, मैक्सिमम या मिनिमम को? मैक्सिमम क्या मिल रहा है, एक्स रिकॉर्ड करने पे माइनस वन अपॉन टू बी पे। हाँ यार ये मेरा दिमाग कह रहा है, जबकि सरकार क्या कह रही है, काम मिल रहा है मैक्सिमम, बोलो ना मैक्सिमम का है टू पे। हाँ यार टू पे, तो मैं इसको बिड़ाऊंगा, तो इसका मतलब अंडर रूट वन माइनस टू बी इक्वल टू माइनस टू। हाँ भाई अंडर रूट हटाने के लिए कोई क्या करता है, स्क्वायरिंग करते हैं, कितना रह जाएगा जल्दी बोलो, कितना रह जाएगा बोलो बोलो, फोर। तो ये एट बी इक्वल टू कितना, एट बी इक्वल टू माइनस वन, इसका मतलब बी इक्वल टू कितना, बी की वैल्यू आ गई। लो आई के नहीं आई, अच्छा अब आप में से कितने लोगों को पता है कि अच्छा बी की वैल्यू रखू, मैंने आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना सिखाया था, कितने लोगों को ध्यान है मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू एक्स बराबर दो पर आ रही है, और कितनी आ रही है एक आ रही है, तो एक्स बराबर दो फंक्शन में रख दो। तो ये तो बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू एफ दो है, अरे मैक्सिमम वैल्यू एफ दो है तो निकालो ना एफ दो, मैं क्यों मनाऊ, अरे इतना इतना काम मैं थोड़ी ना करूंगा, आप भी तो करोगे यार, सर्जन ही सब काम करेगा क्या, असिस्टेंट भी तो कुछ करेंगे, पट्टी वट्टी तो बांधो यार, गौज वोज तो भरो है, सर्जन ही इलाज तक चिपका के जाएगा, बाद में खून आए तो उसके लिए भी आदमी आए उड़ता हुआ, अरे देखो खून आ रहा है कि नहीं। हाँ भाई आया आया एफ टू, देखो एफ टू इतना धीरे से निकालेंगे, इतनी धीरे निकालेंगे ना सामने वाला सो जाएगा। एफ टू x की जगह दो रखा गया, टू ए e की पावर कितना, माइनस वन अपॉन माइनस का एक्स स्क्वायर बटा आठ, बोलो हाँ या ना, नहीं नहीं माइनस का चार बटा आठ, देखो 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 क्या वो बताए, b की जगह मैंने माइनस वन बाई एट रखा और x की जगह दो रखा है, क्या आपका सही है क्या? yes, और आपको बताया f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है सरकार ने, वन वन। हाँ या ना, आप सभी को बताओगे ये माइनस का वन बाई टू, इसका मतलब समझो ये टू ए बाई रूट ई, सोचना इजगल टू वन, इसका मतलब ए इजगल टू कितना, अंडर रूट ई बटा दो है, सही क्या? yes, नहीं आया नहीं आया, अब आप कैसे ए और बी दोनों आ गए, लेकिन सर अपन ये तो पहले भी निकाल सकते थे ना, नहीं निकाल सकते जब तक बी नहीं निकलता, हाँ बी के कारण ही तो आया है ढंग से, नहीं तो एक्स में आता रहता या तो फिर बी में आता रहता आंसर। आया नहीं आया, आया चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, आओ जल्दी करो जल्दी, एकदम बहुत स्लो खेलते हो पता है, जहां आपको लगता है ना कि आपकी गाड़ी हट सकती है आप धीरे हो जाते हो पता है, स्मार्टली एक्ट करने लगते हो। चलो आगे चलते हैं, लिखिएगा इफ पीएक्स इज ए रियल पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री, लीस्ट डिग्री विच एज, जल्दी करो जल्दी, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, ठीक है ना, इफ पी वन इज इक्वल टू सिक्स एंड पी थ्री इज इक्वल टू टू फाइंड पी डैश जीरो। होश उड़ा देगा, आओ मैं तो बीच में थोड़ा स्लो हो जाते हैं मन लोग पता है, जहां आपको मैंने पेन दे दिया ना कि बेटा तू कर, उसके बाद आप ऐसे धीरे धीरे मांड मांड के लिखते हो ना। हाँ भाई ये देखो सा पीएक्स अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, लीस्ट डिग्री माने जितना आ जाए ठीक है, उसे ज्यादा की नहीं सोचे ठीक है, विच हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू वन और मिनिमा कहां पर, तीन पर। आप में से कितने लोगों को पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट वो जगह होती है जहां एफ डैश एक्स जीरो होता है,
माने ये बात तो पक्की है ना सबको कि वन और थ्री पर p डैश x जीरो होगा, हाँ या ना? इस मतलब इस पूरी लाइन का भावार्थ क्या है, इस पूरी लाइन का, ये यहां से लेकर के यहां तक की जो लाइन है ना, इस पूरी लाइन का भावार्थ है क्या कि p डैश x किस किस पर जीरो है, वन पर और थ्री पर जीरो है, p डैश x वन और थ्री पर जीरो। लेकिन आप कहते हो कि मैं सोचूं ऐसा, लेकिन मैं कहता हूं कि बेटा तू वो नहीं सोचेगा जो मैं जो तेरे को सोचना है, मैं तेरे को नई तरह सोचना सिखाता हूं। पी डेज एक्स वन और थ्री पे जीरो, इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं, इसको मैथ्स में लिखते हैं ऐसे, लैम्डा एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। कितने लोगों को लगता है कि पी डेज एक्स वन पे जीरो है, पी डेज एक्स तीन पे जीरो है? कितने लोगों को लगता है कि अगली लाइन में मेरे पास पी डेज एक्स आया पड़ा है? आप सभी को पता होगा लैम्डा होता ए होता कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ यार। तो लेमडा पूरा लगता है, ए ले लू आठ दो, ठीक है ना? अच्छा लेमडा की जगह लेमडा, ये सभी को पता है एक्स स्क्वायर माइनस में चार एक्स प्लस तीन, ये कौन है? पी डैश एक्स, मुझे चाहिए पी एक्स, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाला, मेरे को क्या चाहिए पी एक्स, क्या करूं बोलो? क्या बात कह दिया आपने, गजब कह दिया, एक्स क्यूब बाई थ्री लेमडा माइनस में चार एक्स स्क्वायर बाई, अरे क्या कर रहा हूं मैं, लैम्डा लैम्डा कब तक करता रहूंगा, है ना? चार एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में तीन एक्स, और बाहर कौन? लैम्डा प्लस सी, ये नहीं म्यू, गंदा ही खेलेंगे एकदम गंदा, क्योंकि लैम्डा और म्यू सुनते ही कईयों का तो बिल्कुल फ्यूज उड़ जाता है, हाँ यहाँ बिल्कुल ही गंदा खेलेंगे। सी की जगह म्यू, अब आपको समझ में आ गया ये कौन है? पी एक्स। अगले ने एक और बात बोली है, कहता पी वन की वैल्यू कितनी है? छ। अरे बोलो ना, और P3 की वैल्यू कितनी है? तो आप में से कितने लोग बताएं कि P X के अंदर X की जगह पहली बार 1 रखूंगा, लैम्डा और म्यू में एक इक्वेशन आएगी, फिर मैं 3 रखूंगा लैम्डा म्यू में एक और इक्वेशन आएगी, उससे लैम्डा और म्यू आएंगे, और लैम्डा और म्यू आएंगे तो PX आएगा, PX आएगा तो पीडे जीरो आएगा, सब आएगा, नहीं आया? आ गया। वैसे भी एक और बात बताऊं, लैम्डा की जरूरत है म्यू की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तो पीडे जीरो निकालना है, लैम्डा आया हम चले, नहीं है? लेकिन तकदीर तेज हो सकती है ना, पहले म्यू आ गया तो लैम्डा बाद में आएगा, हाँ यार ऐसा भी तो हो सकता है। तो एनीवे काम की बात, अपन लोगों को पता है पी वन निकालना, पी वन का मतलब कितना हो जाएगा, जैसे कई बच्चे नहीं जानते वन कैसे रखते हैं, तो तीन माइनस दो कितना हो गया एक, और एक प्लस एक बटा तीन चार, लैम्डा बटा तीन प्लस म्यू, और पी वन बराबर में कितना दे रखा छ, और पी थ्री क्या बेटा है? एक मिनट यहां पे मैं सोच लू ना, पहले 27 के हिसाब से 9 और यहां पे 9 माइनस 18 माइनस 9 प्लस 9 जीरो आ रहा है, जीरो हो गया लैम्डा ही जीरो हो गया, अरे वेरी गुड, जीरो लैम्डा प्लस म्यू बराबर में कितना दो, ओ हो म्यू बराबर दो आ गया, देखो बताओ म्यू बराबर दो कितना, मैंने कहा था पहले म्यू पड़ गया तो है ना, लैम्डा बाद में आएगा, म्यू की जगह दो रखते ही ये चार, चार से चार कट गया, लैम्डा बराबर कितना, लैम्डा बराबर तीन आ गया, लैम्डा बराबर तीन आते ही मेरे पास पी एक्स पी डैश एक्स आ गया, सो पी डैश एक्स इक्वल हो गया तीन इंटू में एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस तीन, इसका मतलब पी डैश जीरो आप निकाल दोगे, पी डैश जीरो इक्वल टू तीन माइनस एक माइनस तीन, मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि आंसर आ जाएगा उसे, हो गया। इट एक और आईआईटी 2014, हाँ ये आप बताओ ये, और आप अपनी शीट देखना वो आपको कहां कहां लेके जाएगी बेचारी, कहां कहां लेके जाएगी भगवान जाने कहां लेके जाने यार, मैक्सिमम ही नहीं और रियल पार्टी है एफडीटी एसडीटी, नहीं फिर भी करना सब है, हमें तो सब जगह तूफान मचा के रखना है। क्या लगता है चैप्टर भारी है, मस्त है ना? मस्त कैसे मस्त, मैंने पूछा मस्त है? यस सर। अरे भारी है? नो सर। वहां जोर था बिल्कुल एकदम मस्त है यस सर, ठीक है आइए अगले क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहां के पेपर करता सबसे तो पसंद करते हैं जिस तरह के क्वेश्चन पे विश्वास किया जाता है वो लेते हैं। फाइन पॉली ऑफ डिग्री सिक्स, ठीक है ना, विच सेटिस्फाइज, जल्दी लिखें, विच सेटिस्फाइज लिमिट एक्सटेंड टू जीरो वन प्लस एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब की होल पावर वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर क्यू हैज
लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो कॉमा टू फॉर आई ये है लोकल मिनिमा हाँ ठीक है यही है लोकल मिनिमा टैक्स जीरो कॉमा टू नहीं है लोकल मिनिमा टैक्स इज इक्वल टू टू है ये ठीक है फाइंड एफएक्स हाँ जी साहब 100% उम्मीद है कि एक सेकेंड मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं ये भी बताता हूं ठीक है हाँ इसका छोटा भाई तो देखा ही नहीं हमने इसका छोटा भाई देखोगे आपका देखना रोम रोम घना हो जाएगा क्या अरे वाह स्वागत में इसके ऐसे कैसे जा सकते हैं जो चीज मैं ना नहीं फटूंगा अब नहीं फटेगा हाँ भाई एक सेकेंड और चूक जाता तो फट जाती है आ जाओ सपोज आप क्वेश्चन मत देखना सपोज आप तो मेरे को लिखने दो सपोज एफएक्स इज अ रियल वैल्यूड पॉलिनोमियल है ना भाई रियल वैल्यूड पॉलिनोमियल अब आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया कि इतनी देर तक बच्चे को सोना चाहिए कि बकवास कर रहा है अब ये बहुत देर तक ठीक है सपोज एफएक्स इज अ रियल वैल्यूड पॉलिनोमियल ठीक है ऑफ डिग्री सिक्स यहां जगने चाहिए बच्चे को कि अच्छा छह डिग्री का क्या काम की बात आप बोली ठीक है ना सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन पहला f हैज मिनिमा एट x इज इक्वल टू जीरो कॉमा टू इसका मतलब ये सही था जीरो कॉमा टू दोनों सही है ठीक है अच्छा और b दे रखा है सेकेंड कंडीशन दे रखी है एफ एक्स हैज मैक्सिमम लिखना मत आप तो सिर्फ देख लो x इज इक्वल टू वन और फंक्शन देखो आप उसी के लिए तो मैं जीरो क्या आपको पता चल रहा है ठीक है सी तीसरी कंडीशन दे रखी है फॉर ऑल एक्स लिमिट दे रखी है एक्सटेंड टू जीरो वन अपॉन एक्स एल एन ब्रैकेट में दे रखा है एफ एक्स अपॉन एक्स ठीक है वन और जीरो यहां दे रखा जीरो वन अपॉन एक्स वन यहां दे रखा वन जीरो वन अपॉन एक्स ठीक है ना इज इक्वल टू टू हाँ जी साहब आप सोच रहे हो गए इस क्वेश्चन के पीछे क्यों पड़ गए सर आपको पक्का यकीन नहीं होगा ये और वो एक ही बात है आप जब इस डिटरमिनेंट को खोलोगे ना तब आपको पता चलेगा ये एल एन ध्यान रखना ई की पावर टू बनाएगा ये घूम घुमा करके लास्ट में ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट पड़ेगा ये भी मेरे को जब मैंने इस शीट को पांच या छह बार डिस्कस कर लिया ना तो एक दिन ऐसे रियलाइज हुआ मैंने कहा यार ये क्वेश्चन देखा देखा लगता है हर बार बात समझ में आई आपको इट इज वन एंड द सेम थिंग इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप ये समझो कि आपको भी ये चीजें बहुत दिनों के बाद रिलाइज होती हैं क्या यार ये सब एक ही था आपको नहीं तो ऐसा लगता कोई नया क्वेश्चन होगा जो तो तीन तीन पॉइंट लिखवा रहा है इधर उधर की बकवास कर रहा है इसलिए मैं आपको रोक रहा था कि रुक जाओ अच्छा एनीवे काम की बात करता हूं मुद्दे की बात पहली बात ये सही है हाँ कितने लोगों को पता है कि लिमिट के क्वेश्चंस में सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं एक्स की जगह जीरो रखूं एक्स की जगह जीरो रखते ही एफ जीरो डिवाइड बाय जीरो इन्फाइनाइट हो जाएगा पक्का हाँ यार सुना इन्फाइनाइट की पावर जीरो हो जाएगा है इन्फाइनाइट की पावर इन्फाइनाइट हो जाएगा एक सीन वन की पावर हाँ इन्फाइनाइट सही है वन की पावर अब सुनो मेरी बात क्वेश्चन के अंदर मैं आगे जा ही रहा हूं अगर ये फंक्शन अपने आप में छह डिग्री का है सुनो बहुत धीरे धीरे समझना है पूरी कहानी को फंक्शन अपने आप में अगर छह डिग्री का है तो कहानी को समझना ये फंक्शन को अगर जिंदा रहना है तो इसमें एफ जीरो की वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा क्योंकि अगर एफ जीरो की वैल्यू जीरो हो गई तो आपको पता चलेगा कि एफ जीरो की वैल्यू को जीरो होते ही जीरो डिवाइड बाय एक्स क्यूब जीरो हो जाएगा और वन प्लस जीरो वन हो जाएगा और वन की बार इन्फाइनेट एक फॉर्म होती है क्या आपको बात समझ में आई इन्फाइनेट की बार इन्फाइनेट ही होती है तो आपका आंसर ई स्क्वायर आ ही नहीं सकता था ये सिर्फ तभी आ सकता था ई स्क्वायर आंसर जब ये वन की बार इन्फाइनेट होती और वन की बार इन्फाइनेट के क्वेश्चंस में हम लोग फार्मूला यूज करते थे ई की बार जी एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स माइनस वन याद है आपको और अगर आप ये यूज करते थे तो आपको ये भी याद होगा यहां पे ई की पावर में क्योंकि एलएचएस की बात कर रहा हूं एलएचएस में लिमिट एक्सटेंड टू जीरो लगाएंगा है ना और क्या ले रहे थे अपन
ई की पावर जी एक्स, जी एक्स का मतलब 1 बाई एक्स, और अंदर ही अंदर ब्रैकेट में एफ एक्स, एफ एक्स ये हमारे लिए पूरा है, याद है ना, एफ एक्स की पावर जी एक्स होता था, एफ एक्स की पावर जी एक्स, जी एक्स को आगे लिखा, फिर एफ एक्स माइनस वन, एफ एक्स माइनस वन लिखते ही 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब डिवाइड माइनस वन, लिख दू क्या? और इस सब का आंसर कितना लाना है? आप में से कितने लोगों को ये आइडिया हो गया? 1 और 1, ई और ई हट गया, लिमिट में एक्सटेंड टू 0 नीचे आ चुका है, और दिख रहा है एफ एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, और इजिकल टू में कितना श्योर करना है? 2, मेरे लिए क्वेश्चन ये बन गया। अब आपको ये पता होना चाहिए एफ एक्स अपने आप में 6 डिग्री का पॉलीनॉमल है, 6 डिग्री का पॉलीनॉमल होता है ए एक्स की पावर 6, बी एक्स की पावर 5, सी एक्स की पावर 4, और मैं यही रुक गया, क्यों सुना, अगर मैंने इसके आगे ले गया, इसके आगे होता है डी एक्स की पावर 3, ई एक्स की पावर 2, और एफ एक्स एंड सो ऑन होता, ये भी होता कि नहीं था, और इन सबके नीचे x की पावर 4 लगा रहता, सबके नीचे x की पावर 4 लगता, तो यहां पे x बचता, या x स्क्वायर बचता, या x क्यूब बचता, और या x की पावर 4 बचता, और x की जगह कुछ भी रखते, ये सब क्या बना देता? इन्फाइनाइट, और इन्फाइनाइट 2 नहीं बनने देता। इसका मतलब ये कि फंक्शन को अगर वाकई में दुनिया में आना है तो 6 डिग्री का फंक्शन क्या ले सकता हूं? एफ एक्स के लिए इकलौता चॉइस है कि एक्स की पावर 6, बी एक्स की पावर 5 और सी एक्स की पावर 4 होना चाहिए, इसके सिवा और किसी जगह इसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब उसमें भी काम की बात देखिएगा, अगर मैं फंक्शन ये लेता हूं तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 में एक काम हो गया, कैसे हो गया, अगर मैंने ये लिया तो ये अपने आप में बन गया एक्स स्क्वायर, सोचिएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी, और इजिकल टू में कितना? 2, जैसे मैं एक्स की जगह 0 रखूंगा ये पूरी पार्टी साफ, सी इजिकल टू कितना चमक गया? 2। क्या आपको याद की बात समझ में आई या नहीं आई? अब मेरे पास में फंक्शन क्या हो चुका है, नाउ फंक्शन फॉर मी इज वेरी सिंपल, नाउ इट इज ax की बार 6, bx की बार 5, और प्लस में कितना? c की जगह 2, तो 2x की बार 4, राइट है? क्या मैं इसका f dash x निकाल सकता हूं? और f dash x के पीछे क्यों पढ़ूं? क्योंकि मुझे पता है x is equal to 1 पे क्या है? f dash 1 0 है, क्या कहते हो आप? कह सकता हूं कि नहीं? f dash 1 0 है, और एक f dash 2 0 है, क्या कहते हो आप? कह दूं? और अगर मैंने कह दिया f dash 1 भी 0 और f dash 2 भी 0 है, तो मेरे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? फंक्शन आ गया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्या आप कर लोगे आगे, है ना?